नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। गाजियाबाद में शराब के तस्कर लोकसभा चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप एकत्रित कर रहे हैं। यही नहीं, देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसा काम चल रहा है। गाजियाबाद में 16 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब पकड़ी गई है। जो एक ट्रक में जा रही थी। पुलिस को बताया गया था कि ट्रक में वनस्पति घी भरा हुआ है। उत्तराखंड से भी पूरे मामले का तार जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान देश के सबसे स्मार्ट एक्सप्रेस वे यानी ईस्टर्न पेरिफेलवे एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी ट्रक को रोका। पुलिस ने जब ड्राइवर सीट पर उसकी बगल की सीट पर बैठे दो लोगों से पूछा तो दोनों ने बताया कि ट्रक में वनस्पति घी भरा हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकला। मसूरी में भारी संख्या में शराब पकड़ी गई है, कितनी कीमत है, क्या मोडस ऑपरेंडी था और कहाँ यह सप्लाई की जानी थी? लगभग 16 लाख की कीमत आई है। 2760 बोतलें मिली हैं, पार्टी स्पेशल, ये अरुणाचल प्रदेश जा रही थी। तो पूछताछ करने में पता चला कि ये हरमन नाम का व्यक्ति है, रुद्रपुर उत्तराखंड का। ये उसने इलीगल तरीके से मंगवाई थी पंजाब से। सर, इसका मोटिव क्या था? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं इसका वितरण तो नहीं होना था। नहीं, हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हरमन को हमने इसमें नामजद किया, हरमन से पूछताछ की जाएगी उसको पकड़ने के बाद, तो पता चलेगा इसका मेन उद्देश्य क्या। इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उनका ये कहना है कि हरमन ने उनसे कहा कि ये पंजाब से आप ले आइए ट्रक, ट्रक में घी रखा हुआ है, वनस्पति घी। तो इनको तो वनस्पति घी पता था अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन इसमें शराब थी, 2760 बोतलें शराब थी। सर, जो हरमन है, इससे पहले भी तस्करी की हुई है? इनका कहना है कि हरमन अक्सर ये मंगवाता था और ये गाड़ी जगरूप की है जो हरमन का साथी है। ये हरमन कहाँ का रहने वाला है? हरमन रुद्रपुर का रहने वाला है, उत्तराखंड। आसानी से निकल जाते होंगे, यही है। कितनी कीमत की लगभग शराब होगी ये? लगभग 16,80,000 इसकी कीमत है। सर, ट्रक रुकता है? नहीं, ट्रक जेन्युइन है। ये एक बुलंदशहर का गैंग है, सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। तो कल रात को मौके से 3 व्यक्ति पकड़े गए, कामिल, रशीद और बुलू। इनके 2 साथी फरार हैं, नन्हे और सलीम। ये 5 लोग मिलकर एक, इनके साथ एक ट्रक होता था, मिनी ट्रक, उसमें ये ट्रांसफार्मर को टारगेट करते थे, ट्रांसफार्मर से तार चोरी करके उसको बेचते थे। तो मौके से 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया और 2 फरार हो गए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। बुलंदशहर पुलिस से पूछताछ की जा रही है। 5 लोग बुलंदशहर के रहने वाले हैं। कितने सदस्य थे और किस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे लोग? 5 लोग अभी आए हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पूछताछ में 5 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। और इनका टारगेट ट्रांसफार्मर भी होता था, जो कुछ ट्रांसफार्मर जो आउटस्कर्ट्स में होते थे कस्बे के, उनको टारगेट करते थे। और बुलंदशहर और गाजियाबाद के बॉर्डर में जितना भी एरिया पड़ता है उसको ये खासतौर पर टारगेट। बिजली का कर्मचारी भी इनसे मिला हुआ है? फिलहाल ये पूछताछ में नहीं आया, ये पूछताछ में सलीम जब पकड़ा जाएगा तब आएगा पहचान। कितनी घटना को लगभग अंजाम दिया? एटलीस्ट इन्होंने 3 घटनाएं स्वीकारी हैं, डासना और डासना के आसपास के इलाके। बरामदगी क्या? पेश है गाजियाबाद से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट।